राशिफल के अनुसार आज यानी सोमवार का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। आइए जानते हैं ग्रहों की चाल के मुताबिक आपकी किस्मत के सितारे क्या कहते हैं। आइए जानते हैं मेष से लेकर मीन राशि वालों का राशिफल। मेष राशि वालों की बात करें तो आज का दिन आपके लिए सेहत के लिहाज से कमजोर रहने वाला है। यदि किसी बात को लेकर तनाव चल रहा है तो आपको उससे दूर रहने की आवश्यकता है। आपकी आर्थिक स्थिति कमजोर रहेगी। आप किसी से कोई बात बोलें तो बहुत ही सोच समझ कर बोलें। प्रेम जीवन जी रहे लोग अपने रिश्ते को लेकर कुछ समस्या महसूस करेंगे। वृषभ राशि वालों की बात करें तो आज का दिन आपके लिए नुकसानदायक रहने वाला है। आप बेफिजूल के खर्चे में लगे रहेंगे जिसके बाद में आपको धन की कमी का सामना करना पड़ सकता है। कार्य क्षेत्र में आपके लिए गए फैसले से आपको पछतावा होगा। आप किसी को धन उधार देने से बचें। मिथुन राशि वालों की बात करें तो आज का दिन आपके लिए सकारात्मक परिणाम लेकर आएगा। आप किसी काम को पूरा करने के लिए अपने पिताजी से सलाह मशवरा करेंगे। संतान की संगति की ओर आपको विशेष ध्यान देना होगा। आप अपने व्यवसाय में कुछ बदलाव की योजना बना सकते हैं। आपके किसी नए काम के प्रति रुचि जागृत हो सकती है। कर्क राशि वालों की बात करें तो आज का दिन आपके लिए सोच समझ कर कामों को करने के लिए रहेगा। व्यवसाय में आप किसी दूसरे पर आश्रित न रहें और अपनी बुद्धि व विवेक से काम लें। माता जी को कोई आंखों से संबंधित समस्या हो सकती है। आपको अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों में ढील देने से बचना होगा। आप यदि कहीं घूमने फिरने जाएं तो अपने कीमती सामानों की सुरक्षा अवश्य करें। सिंह राशि वालों की बात करें तो आज का दिन आपके लिए अच्छा रहने वाला है। आपके धार्मिक कार्यों के प्रति रुचि बढ़ेगी। आपको किसी बेवजह के काम में पड़ने से बचना होगा। कार्य क्षेत्र में आपको कोई पुरस्कार मिल सकता है। आपको यदि किसी जरूरतमंद व्यक्ति की मदद करने का मौका मिले तो अवश्य करें। आपको अपने किसी मित्र की याद सता सकती है। कन्या राशि वालों की बात करें तो आज का दिन आपके लिए खर्च से भरा रहने वाला है। आपके सामने कुछ काम ऐसे होंगे जो आपको मजबूरी में न चाहते हुए भी करने पड़ेंगे। संतान के मनमाने व्यवहार के कारण आप परेशान रहेंगे। कार्य क्षेत्र में आपके अनुभवों का आपको पूरा लाभ मिलेगा। आप अपने व्यवसाय को विदेशों तक फैलाने की कोशिश में लगे रहेंगे जिसके लिए आप कुछ नए लोगों से कॉन्टेक्ट करेंगे। तुला राशि वालों की बात करें तो आज का दिन आपके लिए मान सम्मान में वृद्धि लेकर आने वाला है। आप ऊर्जा से भरपूर रहेंगे लेकिन आपको अपनी ऊर्जा को सही कामों में लगाना होगा। यदि आपको किसी काम को लेकर कोई चिंता सता रही थी तो वह भी दूर होगी, लेकिन शेयर मार्केट से जुड़े लोग कोई जोखिम उठाने से बचें। नौकरी में कार्यरत लोगों के ऊपर काम का दबाव अधिक रहेगा, लेकिन फिर भी वह अपने कामों को समय से पूरा करके देंगे। वृश्चिक राशि वालों की बात करें तो आज का दिन आपके लिए मिला जुला रहने वाला है। आपको अपनी सेहत के प्रति सचेत रहना होगा। दूसरों की भावनाओं का सम्मान करें। बिजनेस कर रहे लोगों को अच्छा लाभ मिलने की संभावना है। आप किसी निवेश संबंधी योजना के बारे में भी सोचें। आपको अपने खान पान पर पूरा ध्यान देने की आवश्यकता है। धनु राशि वालों की बात करें तो आज का दिन आपके लिए भाग्य के दृष्टिकोण से अच्छा रहने वाला है। आपके प्रभाव और प्रताप में वृद्धि होगी। आप अपने कामों में कोई ढील न दें। अगर आप अपने कामों में ढील देते हैं तो आप समस्या में आ सकते हैं। आपको अपने पिताजी की कोई बात बुरी लग सकती है। घूमने फिरने के दौरान आपको कोई महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी। राजनीति में कार्यरत लोग अपने कामों से एक अच्छा मुकाम हासिल करेंगे। मकर राशि वालों की बात करें तो आज का दिन आपके लिए व्यस्तता भरा रहने वाला है। आज आप अपने लंबे समय से रुके हुए कामों को पूरा करने के लिए व्यस्त रहेंगे। प्रेम जीवन जी रहे लोगों को अपने साथी के साथ घूमने फिरने के लिए समय निकालना होगा, नहीं तो दोनों के बीच मनमुटाव की स्थिति बन सकती है। आपकी संतान के भविष्य को लेकर आपको प्लानिंग कर सकते हैं। सरकारी नौकरी की तैयारी में लगे लोगों को किसी परीक्षा को देना पड़ सकता है। कुंभ राशि वालों की बात करें तो आज का दिन आपके लिए उन्नति दिलाने वाला रहेगा। पारिवारिक बिजनेस में कोई बंटवारे को लेकर बातचीत हो सकती है जो आपको परेशानी देगी। माता पिता के आशीर्वाद से आप किसी नए काम में हाथ आजमा सकते हैं। संतान को कोई पुरस्कार मिलने से उनका नाम रोशन होगा। जीवन साथी का सहयोग व सानिध्य आपको भरपूर मात्रा में मिलेगा। परिवार के सदस्य आपके कामों में पूरा साथ देंगे। मीन राशि वालों की बात करें तो आज का दिन आपके लिए मिश्रित रूप से फलदायक रहने वाला है। ससुराल पक्ष से आपको धन लाभ मिल सकता है। नौकरी में कार्यरत लोगों को प्रमोशन मिलने के कारण उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पड़ सकता है। वहीं आपके पिताजी को यदि कोई शारीरिक कष्ट लंबे समय से परेशान कर रहा था तो उसमें उन्हें राहत मिलेगी। आप परोपकार के कार्यों में बढ़ चढ़ कर भाग लेंगे। सामाजिक क्षेत्रों में कार्यरत लोगों के कामों में वृद्धि होगी जिससे उन्हें घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो ये था आज का राशिफल। और ऐसे ही खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें सहारा समय का समय डिजिटल।